वेलकम टू सिविल के फंडे। तो आप लोग एनबीसीसी के आंसर की के लिए वेट कर रहोगे। उन्होंने बोला था कि हम 2 दिन बाद ऑफिशियल आंसर की डिक्लेयर कर देंगे, तो उन्होंने आंसर की डिक्लेयर कर दी है, वो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, मैं एनबीसीसी की साइट खोल रखा हूँ। ये आपका जो जूनियर इंजीनियर वाले लोग हैं उनका इसमें मिलेगा, ठीक है। इसमें आप ये देख पा रहे हो, आप अगर डायरेक्ट देख रहे होगे तो इसमें आपको कहीं भी आंसर की के लिए कोई लिंक नहीं दिखा रहा, लेकिन ये एक लिंक ये शो कर रहा है, डाउनलोड लिंक्स। इसमें कॉल लेटर, एडमिट कार्ड और टीए फॉर्म ये सब के बारे में लिखा हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें जब आप लोग ये देखोगे तो इसमें टीए फॉर्म आ रहा है, जो ट्रेवल अलाउंस के लिए था वो अलग था। ये फीडबैक फॉर्म, फीडबैक दे रहा है इसी में आपके आंसर की का। ये देखिए, आप लोग देख पा रहे होगे, ठीक है। फीडबैक फॉर्म, जो आप फीडबैक को ओपन करोगे तो आपको ये ऑप्शन आएगा। इसमें आप ये देख सकते हो कि प्रोजेक्ट इंजीनियर, साथ ही जो आपका ये जूनियर इंजीनियर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप अपना रोल नंबर डालिए, जो आपका रोल नंबर हो, डेट ऑफ बर्थ। जब आप इसको सबमिट करोगे तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्या खुल के आएगा सबमिट करने पर। वो ये खुल के आएगा, उसमें ये लिख रहा है कि 7 जून को आपका, 10 जून को आपका एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। ये 12 तारीख को ही आ गया था नोटिस, मैं भी नहीं देख पाया था, मुझे नई आइडिया लग रहा था कहाँ दिया हुआ है। अब मैंने देखा है तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें आप लोग ये देख पा रहे होगे कि यहाँ पे जूनियर इंजीनियर का क्लिक करने के लिए ऑप्शन आ रहा है कि आप यहाँ से आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी पेज पे ही नीचे आपको ये भी मिलेगा कि आप क्या कहते हैं, अगर आप कोई कंप्लेन करना चाहें तो क्वेश्चन को आप उसके अकॉर्डिंग कंप्लेन कर सकते हैं, और आपको उसके लिए एविडेंस एक देना होगा, कोई प्रूफ देना होगा। और आप कंप्लेन किन किन चीज़ों के लिए कर सकते हो, कि क्वेश्चन आपका करेक्ट है, मतलब क्वेश्चन में गलती थी या आंसर में गलती थी। कभी क्वेश्चन एम्बिगुअस आया होता है, कभी कोई ऑप्शन, जैसे मैंने जो क्वेश्चन बताए थे आपको कि इसमें ऐसे प्रॉब्लम है, तो मैं आपको आंसर की भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, इन्होंने अपना निकाला है सोल्यूशन आंसर की जूनियर इंजीनियर का सारे का। और ये इसका मैं PDF का लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो इन्होंने आंसर को ग्रीन से टिक कर रखा है। तो जिन भी क्वेश्चनों में आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन में जैसे मोमेंट बेंडिंग क्वेश्चन का मोमेंट गलत दे रखा था, जैसे यही क्वेश्चन आप दे सकते हो। इन्होंने मैंने ही बोला था कि ये बाकी तीन तो एकदम गलत हो रहे हैं, यही बच रहा है, इसी में चांसेस है, तो इन्होंने इसको सही दिया है। लेकिन अगर आप लोग कंप्लेंट करना चाहे तो आप लोग इसको कंप्लेन कर सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन है उनको आप देख लीजिए, अगर आपको जो लगते हैं कुछ चेंजेस उसमें होने चाहिए, तो जैसे एक शॉर्ट कॉलम का था उसका आंसर नन ऑफ दी जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने इसका आंसर इतना दिया हुआ है लोड कैलकुलेशन का कि ये लिख रहा है शुड नॉट एक्सीड। अब हो सकता है कि वैल्यू तो 38,000 आ रही, लेकिन उसका ये उसको एक ओवर वैल्यू दे के उसको बोलना चाह रहा हो, तो इस पर आप उनके पास कंप्लेन करके देख सकते हो, ठीक है। बाकी जो भी क्वेश्चन है सारे आप, मैं PDF दे दूंगा, आप सारे को देख सकते हैं आप। सो थैंक यू फ्रेंड्स, और हमारे चैनल सिविल के फंडे को सब्सक्राइब किए, जब भी कोई लेटेस्ट कोई भी चीज़ आती है हम आपको तुरंत बताने की कोशिश करेंगे।